नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सह यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे मल्टीटास्किंग टेस्ट Asus Fire 5 लैपटॉप के ऊपर विद SSD। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक हार्ड डिस्क वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें मल्टीटास्किंग टेस्ट ऑफ i5 8th generation, तो आपको फर्स्ट नंबर पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। ये टेस्ट मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर किया था, तो आज का टेस्ट होगा SSD के ऊपर। तो सेम टेस्ट हम दोबारा करेंगे, बस इतना ही फर्क होगा कि पहले हार्ड डिस्क थी और आज SSD है। तो क्रोम ब्राउज़र तो हमने खोला ही हुआ है, हम ऐप खोल लेते हैं, अब कोई ऑडिटिसिटी खोल लेते हैं। तो हम जितनी ऐप ये खोल सकता है लैपटॉप उतनी ऐप खोल के दिखाएंगे, और फिर चेक करेंगे लैपटॉप हैंग होता नहीं होता, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए लैपटॉप हैंग तो नहीं होता। तो देखेंगे बैकग्राउंड में ऐप चलते हुए कि वो मेमोरी में रहते नहीं रहते, जैसे मोबाइल में होता है कि मल्टीटास्किंग करके दिखाते हैं कि कितने ऐप मेमोरी में रहे, कितने ऐप क्रैश हो गए। तो लैपटॉप में वैसे क्रैश तो नहीं होते मल्टीटास्किंग में, लेकिन स्पीड से कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसका आपको मैं डिफरेंस बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखना। तो दो ऐप चल रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे, एक ऑडिटिसिटी और एक क्रोम ब्राउज़र। हम इसे भी खोल लेते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र पे गेम डाउनलोड लगा लेते हैं। तो हमने टेकन 7 को रिज्यूम कर दिया, तो ये अब तीन ऐप हो चुके हैं। अब हम तीसरा ऐप भी खोल लेते हैं, अडोब एडिटर खोल लेते हैं। तो अडोब एडिटर भी बैकग्राउंड में खुल गया। अब वंडरशेयर फिल्मोरा स्क्रीन रिकॉर्डर है ये, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता ये, तब भी इसे ओपन कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अगला ऐप हम कर लेते हैं FRAPS कर लेते हैं, FPS वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है, अभी ओपन कर लेते हैं। और आप ध्यान से देखें, आपको SSD की परफॉर्मेंस भी पता लग जाएगी कि कितने ऐप कितनी देर में ओपन कर देता है ये। वैसे तो सारे ऐप मिनिमाइज़ कर ही जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे स्पीड स्लो होती रहेगी, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। वंडरशेयर फिल्मोरा को भी ओपन कर लेते हैं। तो इस लैपटॉप की मैं स्पेसिफिकेशन बता दूं आपको, i5 8th generation है, तो ये ध्यान रखिए आपको i5 8th generation की परफॉर्मेंस की स्पीड पता लग जाएगी आज, अगर ये लैपटॉप है आपके पास और SSD लगी हुई है। तो अगर हार्ड ड्राइव वाली वीडियो देखनी है तो लिंक आपको कार्ड्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेम मल्टीटास्किंग करके दिखाई हुई है। तो ये भी ऐप हमने ओपन किया हुआ है, रियल टाइम भी ओपन कर लेते हैं। VLC प्लेयर भी ओपन कर लिया, और कौन कौन से ऐप हैं मेरे पास, MSI आफ्टर बर्नर भी ओपन कर लेते हैं। तो ऐप आप देख सकते हैं नीचे सब आ गए हैं। तो हम फोटोशॉप भी ओपन कर लेते हैं, सारे ऐप ओपन करने के बाद हम YouTube पे जाके वीडियो प्ले करेंगे। तो YouTube की अगर हमें सर्फिंग स्लो लगी तो मतलब थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो गई, अगर बिल्कुल बराबर रही तो बढ़िया बात है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार परफॉर्मेंस YouTube वीडियो प्ले करके, मैं अपनी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये SSD के ऊपर मल्टी गेमिंग टेस्ट वाली वीडियो थी जो मैंने परसों अपलोड की थी, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो जाके देख लें। साउंड मैं बंद कर देता हूँ, वीडियो देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह, अभी तक चल रहा है लैपटॉप, बिल्कुल अच्छी तरह पेज ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा। थोड़े और ऐप ओपन कर लेते हैं हम, न्यू टोरेंट भी ओपन कर लेते हैं, कैमरा ऐप भी ओपन कर लेते हैं। और तो बस इतने ही ऐप है शायद मेरे पास। तो इमेज रेड भी ओपन कर लेते हैं Adobe Editor का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा, लैपटॉप कितना स्मूथ चल रहा है।
तो और भी थोड़े ऐप देख लेते हैं और कौन से ऐप थे मेरे पास। तो अभी हम टोटल करेंगे कितने ऐप रन कर रहे हैं, तो बस आप देखते रहिए। तो देख सकते हैं इसकी स्पीड बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा लैपटॉप में बिल्कुल भी। तो ये वाली फाइल अब जाके ओपन हुई है, हमने 2-3 सेकंड पहले ओपन की थी। तो आप देख सकते हैं जिस पीसी खोलते हैं बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से लैपटॉप चल रहा है। बाकी आप मेरी हार्ड ड्राइव वाली वीडियो देख लें, हार्ड डिस्क वाली, उसमें भी आप चेक कर लें कि लैग महसूस होता नहीं होता था। तो हम टोटल करते हैं कितने ऐप चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने 13 ऐप ओपन कर चुके हुए हैं। हम अब क्रोम ब्राउज़र खोल के सर्फिंग करके देखते हैं। तो बिल्कुल आराम से भाग रहा है नेट भी और कोई भी लैग महसूस नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से कोई पेज में लैग महसूस नहीं हो रहा, लैपटॉप की वर्किंग में कोई लैग महसूस नहीं हो रहा। तो ये सब कमाल SSD का है और इसकी लैपटॉप का i5 8th generation प्रोसेसर का है, ग्राफिक कार्ड का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस में ग्राफिक कार्ड गेमिंग की परफॉर्मेंस के लिए मेनली यूज़ होता है, तो उसका डिफरेंस आप जान लें आज। और बाकी हम गेम्स ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेसर का टेस्ट हो रहा है और SSD का टेस्ट हो रहा है परफॉर्मेंस का, तो हम गेम्स नहीं चलाएंगे। गेम्स की वाली वीडियो देखनी है तो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की है, लिंक आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग गेम करके, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम और थोड़े ऐप ओपन करके देखते हैं, मैं ढूंढ लूँ थोड़े ऐप है या नहीं, मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको कोई भी। चलो मैं अपनी वीडियो डायरेक्ट प्ले करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, साउंड पहले बंद कर देते हैं हम। तो हम इसकी स्पीड देख लेते हैं फॉरवर्ड बैक करने की। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 क्लिक पे ये आगे पीछे हो रही है वीडियो, तो बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा है इतने ऐप मेमोरी में रहने के बाद भी। तो हम इसे भी मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम जाते हैं इसकी राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में, तो उसमें जाके हम मेमोरी चेक करते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं CPU खाली 7% यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और मेमोरी देख सकते हैं 59% है खाली मेमोरी यूज़ हो रही है और डिस्क 0%। डिस्क वन मतलब जो SSD लगी हुई है तो डिस्क वन कहेंगे उसे, तो 1% वो यूज़ हो रही है। वाईफाई तो यूज़ हो ही रहा है क्योंकि गेम डाउन लगी है। और इंटीग्रेटेड GPU जो इंटेल का है वो 2% यूज़ हो रहा है बस। तो आप परफॉर्मेंस अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है हमें। तो हम थोड़ा अब एडिटिंग करके भी देख लेते हैं उसमें फ़ोटोशॉप में जैसे कि हम ये थंबनेल उठा लेते हैं, हम थंबनेल थोड़ा यूज़ करके देखते हैं एडिटिंग करके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा है, कितनी अच्छी एडिटिंग तो अच्छी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। एडिटिंग तो मैं बेकार कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए बस कर रहा हूँ ये मैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। वंडर शेयर फिल्म और भी खोल लेते हैं, उसमें भी हम थोड़ी वीडियोस वगैरह ऐड करके ट्राई करते हैं। तो ये भी ऐड हो गया है, हम वीडियो भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं। इसके अंदर वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, वो भी देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग नहीं होगा शायद, टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वीडियो चल रही है आराम से बिल्कुल वो लैग के, इसमें तो हल्का सा है लैग आएगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है ये कोई वीडियो प्लेयर नहीं है जो तुरंत तुरंत कर देगा, हल्का हल्का लैग तो देगा लेकिन ये से कोई लैग नहीं पता लग रहा। तो उसे भी हम कर देते हैं बैकग्राउंड में, बाकी एडिटिंग करके देख सकते हैं। बाकी सभी आपको ऐप ओपन करके दिखाता हूँ कि सभी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में है, वंडर शेयर फिल्म ये सॉरी यू टोरेंट भी वर्किंग कंडीशन में है,
और कैमरा भी वर्किंग कंडीशन में है बिल्कुल। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में है, और भी ऐप्स थे तो हम खोल लेते हैं। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में है, और ऐप थे पंडरशेप फिल्मोरा भी देख सकते हैं, वीडियो चल रही है। ऑडियो सिटी भी चला के देखते हैं, तो ऑडियो सिटी भी वर्किंग बिल्कुल कंडीशन में चल रहा है। तो ये भी खोल के देख लेते हैं, ये भी अच्छी तरह चल रहा है बिल्कुल भी ऐप अपने आप क्लोज नहीं हुए हैं, सब ऐप इसने मेमोरी में रखे हैं और तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं जैसे भी हम क्लिक करेंगे। जैसे तो तुरंत जैसे आप देख सकते हैं तुरंत कमांड ले लेता है ये, ऐसा नहीं है कि मेमोरी में रख के तब तक उसे किल कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत ऐप चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 25 लाइक का इस बार, तो 20 लाइक से मैंने आज 5 लाइक बढ़ा दिए हैं, तो मान रख लेना, करा देना 25 लाइक। तो अभी तक सर्फिंग बिल्कुल अच्छी हो रही है, वीडियो भी देखो चल रही है मेरी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बंद हो रहे हैं ऐप, चालू हो रहे हैं, देखो अब मैं एक एक करके ऐप बंद कर रहा हूँ, तो आप क्लोजिंग स्पीड भी देख सकते हैं। अगर आप SSD परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बाय करें, थोड़ी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरह तुरंत तुरंत ऐप बंद हो रहे हैं। तो ये ऐप हो गया बंद, कैमरा भी तुरंत बंद, ये भी तुरंत बंद। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।